एक ऐसा जानवर जिसके पास जंगल के राजा का ओहदा नहीं है, लेकिन एनिमल किंगडम में उसका सम्मान किसी राजा से कम नहीं। ये आकार में छोटे हैं, लेकिन इनके कारनामे काफी हैं आपको हैरान करने के लिए। नुकीले दांत, तीखे पंजे और एक क्रूर रणनीति के साथ हनी बैजर एनिमल किंगडम के सबसे साहसी शिकारी हैं। आकार में छोटे होने के बावजूद इसके फीचर्स कमाल के हैं। ये मोटी त्वचा हनी बैजर के शरीर को कवर करती है, जिससे इस जानवर पर हमला करना काफी मुश्किल हो जाता है। हनी बैजर इतने गुस्सैल स्वभाव के जानवर हैं कि ये जंगल के राजा शेर से उलझने को भी तैयार रहते हैं। दुनिया में भले ही इस मांसाहारी शिकारी की छवि खराब है, लेकिन इनके बारे में कई बातें काफी दिलचस्प हैं। आज हम कुछ ऐसी ही बातों को जानने के साथ साथ इस शिकारी की रोमांचक बैटल ऑफ्स का लुत्फ उठाएंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हनी बैजर जंगल की दुनिया के वो कमाल के मैमल हैं जो दिखते तो प्यारे हैं, लेकिन इनके फीचर्स एक सांप जैसे घातक शिकारी को भी कुछ ही सेकंड्स में चट कर जाने का दम रखते हैं। मूल रूप से अफ्रीका द्वीप पर रहने वाले हनी बैजर कई सारे फीचर्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनके सबसे खास फीचर हैं कि ये जीव जहरीले सांपों को खाते हैं, पंजों की मदद से बिल का निर्माण करते हैं, काफी आलसी होते हैं और खतरनाक जहर के प्रति इम्यून रहते हैं। जब एक हनी बैजर बैटल ऑफ लड़ते हैं तो बड़े आकार के जानवरों से भी उलझ पड़ते हैं। इनका निडरपन, साहस और हिम्मती स्वभाव ही सबसे बड़ा हथियार है। यकीन नहीं आता तो चलिए आपको कुछ खास बैटल ऑफ से रूबरू कराते हैं। हनी बैजर अटैक द ज़ेब्रा। एक माँ की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को हर खतरे से बचा कर रखे, लेकिन जंगल में इस जिम्मेदारी को निभाना इतना भी आसान नहीं होता। आज के बैटल ऑफ की शुरुआत एक रोमांचक और इमोशन से भरी वीडियो से करते हैं, जहाँ मादा हनी बैजर अपने बेबी को बचाने के लिए ज़ेब्रा से लड़ती नजर आ रही है। क्लिप की शुरुआत में माँ और बेबी दोनों सड़क पार करने का निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। बेबी अपने चंचल स्वभाव के चलते माँ के साथ जाने के बजाय इधर उधर घूमने लगता है और सामने से आ रहे दो ज़ेब्रा से टकरा जाता है। जैसे ही दो ज़ेब्रा बेबी पर चार्ज करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी मादा हनी बैजर फुर्ती दिखाते हुए अपने बच्चे के साथ आ खड़ी होती है और दोनों जानवरों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। हनी बैजर का आत्मविश्वास देखते हुए दोनों ज़ेब्रा पीछे हट जाते हैं और माँ अपने बेबी को मुंह में उठाकर आगे बढ़ जाती है। इसे कहते हैं बड़े जानवरों पर भी अपना खौफ बरकरार रखना और अपने परिवार की रक्षा करना। हाइना एंड हनी बैजर। ऐसी ही एक और क्लिप देखिए, जहां हाइना मादा हनी बैजर से उलझने के मूड में नहीं है, लेकिन न जाने क्यों ये शिकारी जानवर बिना किसी चुनौती के हाइना पर बरस पड़ी है और उस पर हमला करने के लिए तैयार है। अगली क्लिप में हाइना और हनी बैजर के बीच की लड़ाई भोजन को लेकर है। इस क्लिप में एक अकेला हनी बैजर भोजन के लिए हाइना के ग्रुप से लड़ता नजर आ रहा है। हाइना का झुंड हर दिशा से हनी बैजर पर हमले की कोशिश करता है, लेकिन ये जीव बहुत ही खूबसूरती के साथ खुद को बचाता जा रहा है। ये काफी रोमांचक और कमाल की लड़ाई है, जहां इतने सारे हाइना मिलकर भी एक अकेले शिकारी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते और वो आखिर में अपने रास्ते लौट जाता है। हनी बैजर वर्सेस वाइपर। हमारा अगला केस काफी दिलचस्प है, जहां ये जीव रात को शिकार पर निकला है और इसका टारगेट रेगिस्तान का सबसे खतरनाक रेप्टाइल वाइपर है। इस क्लिप को रात के अंधेरे में शूट किया गया है, जिसमें हनी बैजर के हाथ एक वाइपर लगता है। दरअसल वाइपर अपने रात के डिनर की तैयारी में होता है। इसने अपने रात के भोजन के लिए चूहे का शिकार किया है, लेकिन इससे पहले ये जीव अपने भोजन को खाए, उससे पहले ही हनी बैजर वाइपर के मुंह से शिकार को छीन कर अपना पेट भर लेता है और अब इसके बाद वाइपर की बारी है। हनी बैजर के हमला करने से पहले ही वाइपर हमले के लिए खुद के शरीर को तैयार कर लेता है और अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है, लेकिन इसके नुकीले दांत और मजबूत पंजे के सामने वाइपर का टिकना मुश्किल है। थोड़ी हाथापाई के बाद वाइपर हनी बैजर की पकड़ में आ जाता है। इस लड़ाई में सांप हनी बैजर को काटने में सफल हो जाता है, लेकिन ये जीव सांप को मार डालता है और उसे सर से खाना शुरू कर देता है। इतने बड़े शिकार को खाने के बाद हनी बैजर हिलना भी बंद कर देता है। कुछ समय के लिए लगता है कि इस पर वाइपर के जहर का असर हो रहा है, लेकिन दो घंटे बाद ये दोबारा होश में आ जाता है और अपने रास्ते चल देता है। इससे पता चलता है कि सांप का जहर भी इस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाता। द हनी बैजर हंट्स द स्कॉर्पियन। दोस्तों, केवल सांप ही नहीं बल्कि बिच्छू भी जंगल की दुनिया के सबसे जहरीले जीवों में से एक है, लेकिन हैरानी की बात है कि बिच्छू का जहर भी हनी बैजर पर काम नहीं करता। इस क्लिप में जहरीला बिच्छू हनी बैजर की नाक पर काटता है, लेकिन इस खौफनाक शिकारी पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि ये जीव बड़ी आसानी से उसे खा लेता है। हनी बैजर हंट्स लायन। खैर, बिच्छू से लड़ना हनी बैजर के लिए आसान है, लेकिन क्या आपने कभी इसको शेर से लड़ते हुए देखा है? ये एक ऐसा जीव है जो जंगल में राजा के सामने भी झुकने के लिए राजी नहीं होता।
और बिना सोचे समझे बैटल ऑफ में शिरकत करता है। इस क्लिप में खुद को और अपने बेबी को बचाने के लिए हनी बेजर पूरे साहस के साथ शेर से भिड़ता नजर आ रहा है। मानना पड़ेगा छोटे आकार के बाद भी ये जानवर अपने प्रतिद्वंदी को इतनी आसानी से जीतने का मौका नहीं देता। अपने दुश्मनों से लड़ते हुए हनी बेजर ऐसी आवाजें निकालता है जो उन्हें डरने पर मजबूर कर देती है। चलिए ऐसे ही कुछ और मामले दिखाते हैं जहां हनी बेजर और उसका बेबी शेरनियों को डराते नजर आ रहा है। दरअसल शेरनियों के झुंड की नजर इन दोनों जीवों पर है, लेकिन ये इतनी आसानी से उनके हाथ आने वालों में से नहीं है। ऐसे ही एक और क्लिप देखिए जहां संकरे रास्ते से गुजरते हुए हनी बेजर और उसके बच्चे पर सभी शेरनियां झपटने की फिराक में रहती है, लेकिन मादा जीव अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ रही है। ऊपर चढ़ते हुए जैसे ही बेबी हनी बेजर से पीछे छूट जाता है और शेरनी उस पर हमला करने के आगे आती है, तभी इस माँ का खून खौल उठता है और वो शेरनी से भिड़ते हुए अपने बच्चे की मदद के लिए आगे आती है। मानना पड़ेगा इन दोनों ही जीवों का स्वैग ही अलग है जो ये जंगल के टॉप प्रीडेटर को एटीट्यूड दिखाने में कामयाब रहते हैं। ऐसे ही कुछ और क्लिप्स देखिए जहां ये जीव अकेले ही शेरनी को डराते हुए नजर आ रहा है। हनी बेजर वर्सेस रैट। जो जानवर अपने से बड़े जीवों से पंगा ले सकता है उसके लिए छोटे जानवरों का शिकार करना क्या बड़ी बात है। इस क्लिप में हनी बेजर को चूहे की मौजूदगी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये जीव उसको महक से पहचान लेता है और फिर चंद सेकंड्स में अपने शिकार के करीब पहुंच जाता है। लेकिन चूहा अपना दिमाग लगाते हुए नई रणनीति अपनाता है और कांटेदार सूखी टहनियों पर बैठ जाता है। ऐसी स्थिति में चूहे को लगता है कि हनी बेजर उस पर हमला करने का साहस नहीं कर पाएगा, लेकिन इस शिकारी जीव को रोक पाना नामुमकिन है। ये कांटेदार झाड़ियों के दर्द को आसानी से झेल सकता है। आखिर में ये जीव चूहे तक पहुंच जाता है और अपने शिकार को पा ही लेता है। हनी बेजर एंड पॉर्क्यूपाइन। खैर अगली क्लिप की तरफ बढ़ते हैं जहां दो खतरनाक जीव एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। रात के अंधेरे में हनी बेजर पॉर्क्यूपाइन के घोंसले पर हमला करता है। इस बात से गुस्साया पॉर्क्यूपाइन इस शिकारी को भगाने के लिए अपनी शार्प कांटे जैसे बालों से उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन हनी बेजर इन बालों से कहां डरने वाला है। वो बालों को हाथ तक नहीं लगाता और पॉर्क्यूपाइन के बच्चों को आराम से अपना भोजन बनाता है। आपको बता दें कि पॉर्क्यूपाइन जैसे जानवर के कांटेदार बाल इतने जहरीले और खतरनाक होते हैं कि ये शेर के लिए भी जानलेवा हो सकते हैं। इसलिए हनी बेजर पॉर्क्यूपाइन पर हमला करने के बजाय उसके बच्चों को अपना शिकार बना रहा है जिसके बाल अभी काफी सॉफ्ट हैं। हनी बेजर वर्सेस स्नेक। ये शिकारी अगर वाइपर जैसे खतरनाक सांपों को चट कर सकता है तो इसके लिए बाकी प्रजातियों को ठिकाने लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। पॉइजनस स्नेक से लेकर आम सांप तक ये हर रेप्टाइल को अपना भोजन बनाने पसंद करता है। इस क्लिप में हनी बेजर का शिकार एक मोल स्नेक है जो कि साउथ अफ्रीका के जंगलों में खास तौर पर पाए जाते हैं। जब ये दोनों जानवर आमने सामने आते हैं तो इनकी लड़ाई टक्कर की होती है। मोल स्नेक का पहला वार सीधे हनी बेजर की नाक पर होता है, वहीं ये जीव दूसरा हमला उसके सर पर करता है। ऐसे हमले पर शायद कोई दूसरा जानवर वहां से भाग जाता, लेकिन हनी बेजर से भागने की उम्मीद नहीं की जा सकती। कुछ और हमले के बाद ये जीव सांप पर धीरे धीरे काबू पा लेता है और उसे सीधे सर से खाने की कोशिश में लग जाता है। ये काफी शॉकिंग है कि इतने हमलों के बाद भी ये बिल्कुल सही सलामत है। हनी बेजर वर्सेस पाइथन एंड जैकल्स। अगले क्लिप में हनी बेजर आम सांपों को छोड़कर पाइथन पर हमला करता है, लेकिन ये गलती से पाइथन के पकड़ में आ जाता है। मानना पड़ेगा कि इसकी किस्मत अच्छी है कि जल्दी ही जैकल उसकी मदद के लिए वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन पाइथन की पकड़ से छूटने के बाद भी ये आसानी से वहां से खिसकता नहीं है बल्कि लगातार उस पर हमला करता रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब जैकल भी इस काम में उसके साथ शामिल हो गया है ताकि इन्हें भी इसका हिस्सा मिल जाए। हालांकि जैकल की मदद से ये जीव शिकार को पा लेता है, लेकिन ये पाइथन को खींचकर झाड़ियों में ले जाता है ताकि इसे अपना भोजन जैकल के साथ शेयर न करना पड़े। इससे आप समझ सकते हैं कि ये जानवर कितना चालाक है। हनी बेजर एंड लियोपर्ड। हमारी अगली वीडियो एक माँ की बहादुरी की है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में लियोपर्ड के हाथ हनी बेजर का बच्चा लगा है जिसे वो खाने की कोशिश में होता है, लेकिन इससे पहले ही गुस्से से तिलमिलाई माँ लियोपर्ड पर बरस पड़ती है और उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर देती है। एक माँ का अपने बच्चे के लिए इस तरह का तड़पना आम बात है। तो ये थे कुछ ऐसे घमासान जो बताते हैं कि हनी बेजर के नाम में जरूर शहद है, लेकिन इसके कारनामे जंगल की दुनिया के बाकी जानवरों के लिए काफी कड़वे हैं। तो दोस्तों हनी बेजर और लायन की लड़ाई में कौन जीतेगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।